नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कानपुर नगर के खंड विकास कार्यालय बिधनू के प्रांगण में आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय शरद मेले का शुभारम्भ किया गया। मेले में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए उप जिलाधिकारी सदर एवं डिप्टी कमिश्नर अभिनव गोपाल के करकमलों द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया। शरद मेले में मुख्य अतिथि अभिनव गोपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों की लगाई गई विभिन्न स्टालों का गहन निरीक्षण किया। इसके पूर्व मंच पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम की बढ़ती श्रृंखला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वागत गीत गाया। वहीं खंड विकास अधिकारी रवि शंकर प्रधान द्वारा मुख्य अतिथि अभिनव गोपाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं खंड विकास अधिकारी का स्वागत ब्लॉक मिशन प्रबंधक पवन ने पुष्पगुच्छ देकर किया। वहीं DDM नावाड दीप्ति श्रीवास्तव को ब्लॉक मिशन प्रबंधक रामश्री विष्ट, रुबीना खातून संकुल समिति की अध्यक्ष सुमन द्वारा पुष्पगुच्छ देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण अंचलों से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि जो भी प्रोडक्ट आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं उनकी पैकेजिंग एवं क्वालिटी को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। वहीं आपको डिजिटल मार्केट से जोड़ने की कवायद भी जारी है। आप सभी अपने अपने सुझावों एवं नवाचार के साथ अपने क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी एवं BMM के साथ सदैव तत्पर हैं। आप सिर्फ अपनी आजीविका संवर्धन के लिए प्रयास जारी रखिए। वहीं DDM नाबार्ड द्वारा शरद मेले के आयोजन के लिए भी मुख्य अतिथि ने सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खंड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि अभिनव गोपाल एवं DDM नाबार्ड दीप्ति श्रीवास्तव का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक मिशन प्रबंधक शाहिद खान द्वारा किया गया। इस अवसर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर नंद किशोर, बिधनू ब्लॉक की स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं सहित नाबार्ड के NGO पार्टनर लता फाउंडेशन से DS राठौर, अर्पित ग्रामीण विकास संस्थान से शिवलाल, उपकार ग्राम उद्योग संस्थान से RS साहू उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर नगर से ब्यूरो रिपोर्ट। गोबर से हम कम से कम 12 से 13 और इसकी ट्रेनिंग के लिए RCT ने आप ही के डिस्ट्रिक्ट में शिवराजपुर में ट्रेनिंग दी है और इसी ट्रेनिंग के माध्यम से एक समूह इन 12 से 13 प्रोडक्ट्स को बना और उन्होंने 26 जनवरी के दिन जो एक स्टॉल लगा था हमारा आपकी CSU यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लगा था तो उनका बहुत अच्छा बिक्री भी हुआ। अभी हम बात बिक्री भी कर रहे हैं कि बिक्री शब्द बिक्री क्या है उसे तो बिक्री क्योंकि मेला लगा है ये नाबार्ड के माध्यम से से बताया कि नबार्ड अकेले जी एक तरीके से बैंकों का बैंकर होता है जो हमारे ब्रांच होते हैं उनका भी बैंकर होता है उनको पैसे प्रोवाइड करना तो डायरेक्टली जब यहाँ पर जो नबार्ड का बेसिक अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा प्लीज कि ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली आप लोगों के लिए जो आजीविका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उसके लिए काम करना। अब हम बिक्री में और आगे बात करेंगे क्योंकि हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं आगे कि आप लोगों को किसी तरीके से हम मार्केट बेहतर कानपुर के अंदर कि जो लोग आप प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएंगे इसको हम थोड़ा और बेहतर पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद इसको हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं। आप लोग जितनी मेहनत आप लोग करेंगे उतना उतना हम लोगों को बल मिलेगा कि हम लोग उसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर बेच सकें और कानपुर शहर के अंदर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम एक ऐसा सेंटर खोलें। हमारे पास सेंटर है आपको जान के बहुत खुशी होगी हमारे पास फूलबाग सेंटर है और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि गिन के 5 या 6 जिले होंगे जहाँ इस तरह का सेंटर नारायण के पास है। उस तरह से सोचिए तो हम अगर उस सोच में आगे बढ़ेंगे तब हम आगे जो सोच रहे हैं इसको और बेहतर ढंग से करेंगे। बाकी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं जो आप जितने आप सामान बना रहे हैं उसको और डाइवर्सिफाई करें उसको और ज्यादा हम लोग और अलग तरीके के रखें। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया
अब कर दीजिए और ताज़ातर इन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।